हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा मेरा शॉर्ट्स। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चना आलू की सब्जी की रेसिपी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चना आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने चना, तो ये मैंने रात भर से भिगो के रखा हुआ है। पहले हम इसे दो बार वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम इसे भिगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि चना बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे एक बार साफ पानी से और धो लेंगे और इसमें पानी डाल के रख देंगे। मैंने एक बार चने को और वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं पानी कितना साफ है। अब इसके साथ हमें उबालना है आलू, तो आलू भी हम धो के काट लेते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने बड़े बड़े तीन आलू, अब हम इसे काट लेते हैं। अब इसे धो के चने के साथ डाल देते हैं। अब हम इसे ढक्कन लगा के दो तीन सीटी लगाएंगे। यहाँ पर मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं, इन्हें मैं काट के पीस लूंगी। तो गाइज़ मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट रहता है, और अगर आप लोगों के पास पेस्ट नहीं है अदरक लहसुन का बना हुआ, तो फिर आप प्याज के साथ ही लहसुन और अदरक डाल के भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पेस्ट तैयार है दो प्याज का ग्रेवी के लिए। तो गाइज़ सबसे पहले लिया है मैंने कढ़ाई और मैंने गैस ऑन कर दिया है तड़के के लिए। अब डालेंगे इसमें तेल। तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कि आपको कैसा बनाना है। गर्म होने के बाद डालेंगे हम इसमें दो तेज पत्ता, ये देख सकते हैं आप, दो तेज पत्ता है। इसे मैं बीच से तोड़ दूंगी और अब मैं इसे डाल दूंगी। तो देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालना है हमें जीरा, जीरा डालने के बाद हम डालेंगे इसमें प्याज जो हमने पीसा हुआ था। इसे अच्छे से मिला देंगे। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप घर पे पीस सकते हो तो आप घर पे पीस लीजिए, बट मैं ये वाला यूज करती हूँ, तो मैं ये डालूंगी थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि जो प्याज अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो अच्छे से इसमें सीख जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसमें सब मसाले डाल देंगे। आपको पता है कि सब मसाले मैं एक साथ ही डाल देती हूँ, तो अब इसमें सब मसाले में एक साथ डालते जाऊंगी। सबसे पहले डालूंगी मैं हल्दी, उसके बाद डालूंगी मैं पीसी लाल मिर्च। मिर्ची आपको तेज चाहिए तो आप थोड़ी ज्यादा भी डाल सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने कच्ची मिर्ची नहीं डाली है। और मैं डालूंगी धनिया पाउडर, नमक, और ये डाल रही मैं गरम मसाला। गरम मसाला मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, क्योंकि मेरे पास चना एवरेस्ट मसाला रखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने गरम मसाला थोड़ा सा ही डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जब तक ये मसाला तेल छोड़ता है तब तक के हम इसे ढक के रख देंगे। और अब हम टमाटर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने छोटे छोटे चार पांच टमाटर, आप बड़े भी ले सकते हैं, और इसमें थोड़े ज़्यादा भी डालेंगे तो भी अच्छा बनेगा। लेकिन आपको पता ही होगा कि टमाटर अभी कितना ज़्यादा महंगा हो गया है, तो बस सब्जी में मैं इतने से ही टमाटर डालूंगी। अब हम इसे ओपन करके देख लेंगे कि मसाला पका है या नहीं। तो देख सकते हो कि आप ऊपर तेल आ चुका है, मीन्स प्याज अच्छे से सिक चुका है। अब हम इस पर डालेंगे टमाटर जो हमने कट करके रखा हुआ है, और
अच्छे से मिला देंगे और टमाटर के पकने का वेट करेंगे। थोड़ी देर इसे ढक के रख देंगे। फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है, ज्यादा तेज नहीं रखना है। अब इस पे डालेंगे हम छोले मसाला, चाहे वो सुरुचि का हो या एवरेस्ट का हो या कोई भी कंपनी का हो आपके पास, आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास छोले मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी पे सब्जी पे डाल सकते हैं। मसाला डालने के बाद अब डालेंगे हम चना और आलू जो हमने उबाला हुआ था, तो आपको हाथ से चेक कर लेना है कि चना अच्छे से उबला है या नहीं उबला है। अगर आपका चना थोड़ा सा कच्चा रह गया है और आपको उसे और उबालने की ज़रूरत है तो आप पहले सब्जी बना लीजिए और उसके बाद सब्जी को कुकर में पलट के आप एक या दो सीटी लगा दीजिए, मतलब वही होगा और चना अच्छे से पक जाएगा। तो मैंने तो यहाँ पे चने को बहुत ही अच्छे से उबाल लिया था। अब डाल देंगे हम कढ़ाई पे। चना और आलू डालने के बाद हमें पूरे मसालों के साथ इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और थोड़े देर फ्लेम में रखना है ताकि मसाले चना और आलू के साथ बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपको चने और आलू की सब्ज़ी सूखी चाहिए तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं, तो ये आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। बट मुझे तरी वाली सब्ज़ी बनानी थी तो इसमें मैं धीरे धीरे क्वांटिटी में पानी डालते जाऊंगी, जितना भी मुझे तरी बनाने के लिए चाहिए। सब्जी को हम बहुत ही अच्छे से उबलने देंगे जब तक कि तरी थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। और यहाँ पे मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है। आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरी चना आलू की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।